सीतापुर जनपद के सदरपुर थाना क्षेत्र के सरैया कादीपुर के लक्ष्मीमणपुर गांव में शुक्रवार की रात 65 वर्षीय बुजुर्ग रामेश्वर प्रजापति पुत्र गिरधारी के किसी धारदार औजार से माथे पर प्रहार कर हत्या कर दी गई, जिसका शव शनिवार को सुबह चारपाई पर पड़ा मिला। वहीं परिजन पुरानी रंजिश के चलते गांव के ही चार लोगों पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पीएम के लिए सीतापुर भेज दिया है। एडिशनल एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि परिजनों ने गांव के ही चार लोगों के विरुद्ध तहरीर दी है तथा तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है तथा सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जाएगी। एक्चुअल में आज सुबह लगभग 8 बजे थाने पर सूचना दी गई कि एक रामेश्वर नाम के व्यक्ति हैं जो प्रजापति हैं, उनकी हत्या हो गई है। मौके पर हमारे SHO CEO और मैं हमारे SSP महोदय आए थे। यहाँ पर देखा गया कि रामेश्वर की एज लगभग 65 वर्ष है और सोते समय ही लग रहा छोटी वाली कुल्हाड़ी या किसी अन्य हथियार से उनके सर पर प्रहार किया गया है, जिससे काफ़ी ब्लीडिंग हो गई है, इससे उनकी मौत हो गई है। उनके परिजनों का आरोप है कि हमारे पड़ोस में रामचंद्र यादव का परिवार है और इन लोगों से हमारे संबंध ठीक नहीं है, इनसे हमारी मारपीट पहले हुई थी, इन लोगों ने उनकी हत्या की है। हम लोग को तहरीर मिल गई है, मुकदमा इसमें हम 30 लोगों का दर्ज करके जाँच इसमें कर रहे हैं। परिजनों का जो आरोप है उस पर भी हम ध्यान दे रहे हैं, इसके अलावा भी और भी जो कुछ इसमें बिंदु निकलेंगे उस पर हम लोग जाँच करते हैं, उसी पर कार्रवाई इसमें हम लोग करेंगे। जी सर, क्या कोई गिरफ्तारी हुई सर? अभी जो नामजद हैं उन्हें हम हिरासत में ले लें, गिरफ्तारी हमने नहीं किया है अभी, उन्हें हमें हिरासत में लिया है मैंने, हमारे पास के सिटी में लोगों से हमारी इंटोगेशन चल रही है। ऐसा मैंने आपको बताया कि चूँकि परिजनों का आरोप है, मुकदमा दर्ज है, तो हमने उनको थाने बुला के उनसे हमारी बातचीत हो रही है जी, और भी तमाम बिंदु जो अभी मौके पे हमारे आने के बाद निकले उन सब पे हम सभी लोग जांच करेंगे इसमें, और जो सही तथ्य उसका हम लोग इसमें कार्रवाई करेंगे। थैंक यू सर। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर।